नमस्कार, आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। मैं अमन कुमार। पी चिदम्बरम मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर ये कहा कि उनका जो केस है वो न्यायालय में जा चुका है और न्यायालय मुख्य रूप से क्या करेगी ये तो न्यायालय ही जानेगी। लेकिन साफ तौर पे उन्होंने बीजेपी भी तंज कसते हुए ये कहा कि जहाँ पर ईडी सीबीआई सब तो बीजेपी सेल में ही हैं और कहीं ना कहीं ये लोग बीजेपी के लिए काम करते हैं, ना कि विपरीत काम करते हैं। आइए सुनते हैं तेजस्वी से ही क्या कुछ कहा तेजस्वी ने। जिस तरीके से पी चिदम्बरम के मामले में जो कार्रवाई हो रही है, क्या कहना है? नीचे रख लीजिए मामला अभी है, न्यायालय में है और न्यायालय जो है इस चीज़ों को देख रही है। लेकिन हम लोग शुरुआत से ही कहते रहे हैं, इसमें सीबीआई हो या ईडी हो या और भी कोई जांच एजेंसी हो, वो पूरी तरीके से जो है बीजेपी का जैसे पार्टी सेल होता है उस प्रकार से लोग काम कर रहे हैं। और पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से चाहे ऑपोजिशन के जो भी लीडर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और संवैधानिक संस्थानों को जिस तरीके से बर्बाद किया गया, आप पिछले में भी पूर्व में भी देखें, चाहे आरबीआई हो या और कोई संस्था हो, उसको पूरी तरीके से जो है बीजेपी अपने सहूलियत के हिसाब से निर्देश दे करके कार्रवाई करवाई जा रही है। दिस इज़ ऑल पॉलिटिकल वेंडेटा और फेयर जांच होनी चाहिए। हालांकि सभी लोग जो हैं न्यायालय पर भरोसा करते हैं और न्यायालय जो है निष्पक्ष होकर के इस सारी चीज़ों को देखने का काम करेगी और सारी चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। राजनीति में जिस प्रकार से नेगेटिव पॉलिटिक्स जिस प्रकार से बीजेपी के दौर में शुरुआत की गई है वो बहुत ही दुखद है। जिस प्रकार से पर्सनल एनिमी बना करके पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से एजेंसियों को पीछे लगाया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। तो आपने सुना कि सीधे तौर पे तेजस्वी का ये कहना है कि जो भी मामला है वो कोर्ट में जा चुका है, कोर्ट उस पर अपना खुद संज्ञान लेगी कि क्या कुछ करना है, उन पर किस तरीके केस जाहिर करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी साफ तौर पे बीजेपी पे तंज कसते हुए नजर आए। सहयोगी अनिल के साथ मैं अमन कुमार, सनमार्ग लाइव, पटना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर से आप रूबरू होते रहें। नमस्कार।